हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल यशोदा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो और मावस के ऊपर। 6 तारीख की मावस है, तो फ्रेंड्स इस दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप पे कितने से कितना बड़ा भी अगर पितृदोष है वो हट जाएगा आप पे से, और हटेगा भी नहीं तो थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा ही आपको, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी हमें मालूम नहीं है कि हमारे जो है पितरों का श्राद्ध कब डलता है, हमें दिन का नहीं पता तो हम कब डाल सकते हैं। तो आप मावस वाले दिन डाल सकते हैं श्राद्ध। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपका नाम ले सकती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप मेरा नाम ले सकती हो वीडियो में। तो उनका नाम है अविका चौधरी। तो फ्रेंड्स अविका चौधरी जी ने मुझसे पूछा था कि आप जो है हमें बताइए कि हम श्राद्ध कब डाल सकते हैं जिनको नहीं मालूम होता। तो वो मावस वाले दिन जो है श्राद्ध डाल सकते हैं अपने पितरों का, जिनको नहीं मालूम होता वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबके नाम लेके, जो भूले बिछड़े कुछ भी होते हैं कोई भी होता है, वो सब आके खा लीजिए इस तरीके से बोल के आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं लाई हूँ वीडियो आज दिए के ऊपर कि हमें मावस वाले दिन क्या करना है अपने पितृ दोष हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स मावस वाले दिन हमें जो है हमें दिया लगा के आना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी तालाब है, कुआ है, नदी है, जैसे जमुना गंगा कोई भी नदी हो, छोटा सा कोई तालाब हो, बहता हुआ पानी हो, या वैसे ही तालाब हो कोई, तो आप वहाँ पे जो है दिया लगा के आ सकते हैं। और परदोष काल में दिया लगाना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, परदोष काल में ये दिया लगाना है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। और फ्रेंड्स इस दिन आप बहुत सारे लोग के घर के आसपास तालाब वगैरह नहीं होते तो वो जो है पीपल के पेड़ पे भी लगा के आ सकते हैं, पीपल के पेड़ पे, बट के पेड़ पे, या फिर बेल पत्थर का पेड़ होता है उस पर भी लगा सकते हैं आप, अगर वो पीपल का पेड़ भी नहीं है। वैसे बहुत सारे घरों के आसपास होता है, मंदिरों में भी होता है पीपल का पेड़, तो आप लगा सकते हैं वहाँ पे जाके अगर तालाब वगैरह नहीं है। और तालाब वगैरह अगर है तो बहुत अच्छी बात है, गाँव में तो कुएँ वगैरह सब होते हैं तो कुएँ के पास भी लगा सकते हैं। तो इस दिन हमें मावस वाले दिन परदोष काल में हमें ये दिया लगाना है शाम के वक्त। अब आप लोग पूछोगे कि परदोष काल क्या होता है, तो परदोष काल होता है जो शाम का समय होता है, जब हमारा सूरज ढलता है उसे परदोष काल बोलते हैं, उस समय हमें दिया लगाना है ये। तो परदोष काल जैसे कि 7 बजे करीब अगर सूरज ढला है, बिल्कुल डूब गया है, और उसके 1 घंटे तक परदोष काल होता है, तो उस बीच में हम दिया लगा के आ सकते हैं। अगर 6 बजे दिया सूरज डूबा है तो 6 बजे से 7 बजे तक लगा सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दिया लगा के जब लगाने जब जाएं आप, तो आपको दक्षिण की तरफ मुख करके दिया लगाना है, और दिया लगाते समय बोलना है हे पितृदेवता हमारी रक्षा करिए और हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए, और आप खुशी खुशी जाइए अपने पर लोक में और हमारे परिवार पे, हमारे परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाइए। इस तरीके से बोलते हुए आप दिया लगा दीजिए पीपल के पेड़ के पास या फिर किसी भी तालाब के पास। और फ्रेंड्स इस दिन क्या होता है, हमारे जो पितर होते हैं विदा होते हैं मावस वाले दिन, 16 दिन रहते हैं वो हमारे घर के आसपास, लेकिन 16वें दिन जो है वो जो है विदा होते हैं। तो उस दिन जो है शाम के वक्त वो परदोष काल में कुआ नदी तालाब जो है तालाब की तरफ या फिर गंगा जमुना जैसे होती है नदियाँ, उनके पास जाके हमारे जो है भोले बाबा को नमस्कार करके और विदा हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी नदी हो तालाब हो उसके आसपास दिया लगाइए या फिर पीपल के पेड़ पे। तो आज के दिन आप मावस वाले दिन 6 अक्टूबर को मावस है, उस दिन आप दिया जरूर लगाइए, और फ्रेंड्स आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि हमें फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृदोष है, तो ये काम आप ज़रूर करिए, पितृदोष कितना भी बड़ा हो हट जाएगा बिल्कुल आप पे से, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दिया लगा दीजिए मावस वाले दिन शाम को, और इन्हीं दिनों में लगाना होता है, ये नहीं कि कोई भी मावस हो और आप लगा दें, नहीं, सिर्फ श्राद्धों में लगाना होता है ये दिया, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स मावस वाले दिन शाम को आप दिया ज़रूर लगा के आइएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो इतनी ही है आज के लिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर कोई भी दिक्कत हो पूछने में, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके की वीडियो मेरी लोगों ने बहुत पसंद करी है और मुझे कमेंट भी करते हैं बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। और मेरे पास जब भी कोई कमेंट आता है मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो लाती हूँ, ऐसे ही नहीं लाती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ।
तो अगर आपको कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।